जवाहर पार्क सुंदरनगर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर एवं सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर की अगुवाई में तमाम कांग्रेस जनों ने जवाहर पार्क में एकत्रित होकर नेहरू जी की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी। तदुपरांत लोक निर्माण विश्राम गृह सुंदरनगर में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेहरू जी के बताए गए पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। ठाकुर ने कहा कि देश के निर्माण में पंडित जवाहरलाल नेहरू का अहम योगदान है, इसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और देश को एक नई दिशा में ले जाने में कांग्रेस पार्टी ने देश में हिंदुस्तान को विश्व के मानचित्र पर उभार कर एक अमिट छाप छोड़ी है जो शायद ही कोई पार्टी देश के लिए कर सकती है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बुलंदियों तक पहुंचाया है, इसके लिए तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि भाजपा की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस ने देश हित में काम किया, जिसका परिणाम वर्तमान में देश की जनता के सामने है, न कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह देश की जनता को छल कर राजनीति में आए। उन्होंने कहा कि ये राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और लोकसभा चुनाव में भाजपा को अपनी असली चेहरा याद आएगा। प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमारे देश के निर्माता रहे हैं। आज जो भी तरक्की या जो सोच के जरिए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके पीछे इन्हीं महान विभूति की सोच थी और जहाँ निर्माता के रूप में इन्हें याद किया जाता है और बाल दिवस, क्योंकि इन्होंने बाल जो हमारे बच्चे लोग हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उसी को निर्माता का रूप दिया, क्योंकि वही आगे चल के आज जो हमारे देश का स्वरूप बना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छे लोग इस देश में जिन्होंने अपना बलिदान तक दिया और इस देश को इस बुलंदियों तक पहुंचाया, तो समझते हैं कि हम आज के इस दिन पे इनको याद करें और इनके बनाए हुए बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ें और